ना मैंने बहुत ही बेहतरीन प्लान की, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा 20x38 का प्लान आप ये देख पा रहे होंगे। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे पूरा मॉडल, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। जो अभी मॉडल देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है, और इसीलिए आपको सारी चीज़ें अंदर तक वाली भी दिख रही हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, आप देख लें। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देता हूँ, और जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी रिमूव करता हूँ, देखिएगा ये पूरा आपका मॉडल है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 20 फिट है, और लंबाई की बात बात करें तो 38 फिट है। तो इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं दोस्तों पवन झागड़, और आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यू टेक। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड होम डिजाइन से वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 15x42, 18x25, 15x25, बहुत सारे लेटेस्ट होम डिजाइन आपके पड़े हैं। जो भी आपको घर का प्लॉट हो, कुछ भी हो, उसको आप बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। और इसी का सेम वेबसाइट है दोस्तों smallhouseplan.com, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जैसे वहां पर आएंगे तो इस वेबसाइट पे आपको क्या है, विद डायमेंशन, बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, कितना बाई कितने का रूम है, कितने बाई कितने का टॉयलेट है, मतलब सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है। जैसा कि जो आज हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं 20x38 का, इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर का देखिए इमेज यहाँ पर दिया है, और ये उसका 3D मॉडल दिया है। ऐसा पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले मैं ले चलूँगा आपको ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे आप आते हैं तो देख सकते हो ये 20x38 में ग्राउंड फ्लोर मैंने डिजाइन किया है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप तो बड़ा सा गेट लगा सकते हो, और यहाँ पर आप, मैंने सबसे पहले इसको 3 भागों में दोस्तों डिवाइड कर लिया है 20x38 में। सबसे पिछला भाग है 13 फिट का, और ये बारह का, ठीक है। तो ये पूरा आपका, और जो बाद बाकी बचता है वो दीवार आपकी निकल जाएगी 1 से 2.5 फिट में। एग्जैक्ट डायमेंशन देखने के लिए दोस्तों आप बिल्कुल वेबसाइट पर आइएगा, और यहाँ पर आपको जो ग्राउंड फ्लोर देखिएगा ये बिल्कुल 12.9 का है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी भी डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है, ये 5.9 का है, और 8.9 का ये है, 3.8 का, ये पूरे एग्जैक्ट डायमेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मॉडल आप देख सकते हो, ये तो आपका होगा कार पार्किंग के लिए, और इसके बाद एक बेडरूम आपका निकल आता है अप्रॉक्स 12x10 का। और ये यहाँ पर जो चौड़ाई थी यहाँ पर 20 फिट और लंबाई थी 12 फिट, तो 12x9 के अप्रॉक्स यहाँ पर ये दो रूम आपके निकल आते हैं पीछे। और जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इंटर करने के बाद इस रूम के लिए मैंने यहाँ पर एक विंडो ये दे रखा है, और एक ये विंडो दे रखा है। मेन डोर ये है, यहाँ से आप इंटर करेंगे अंदर। और इसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये आप दोस्तों अपना बना सकते हैं आप किचन। ये आपका किचन हो सकता है, या आपका ये किचन हो सकता है, डिपेंड करता है आप पर। ये किचन या बाथरूम बनाए, या ये आपका लेटरिन फिक्स रहेगा। इसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे। और जैसे आप अंदर आते हैं तो इस रूम के लिए ये वाला गेट दिया है, और लेटरिन के लिए ये है, और किचन के लिए ये, और बाथरूम के लिए ये वाला गेट आपको यहाँ पर दिया है। अगर अंदर बड़े रूम की बात करें तो इसके लिए मैंने एक ये विंडो दे रखा है, ये इसके लिए गेट, इसके लिए, और इसके लिए भी एक विंडो है। ये पूरा आपका प्लान डिस्कस हो चुका है, और ये विंडो इसलिए मैंने दे रखा है, वेंटिलेशन हवा आपका पास होता रहे। अब मैं आपको ले चलूंगा ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो देख सकते हैं ये मॉडल है, जहां पर कार पार्किंग था वो मैंने एरिया यहाँ पे खुला छोड़ दिया। ये आपके डाइनिंग के लिए, कुछ भी आप हॉल टाइप का बना सकते हैं। और सेम टू सेम अगला वाला रूम है बिल्कुल जैसा कि पीछे बना था, और पीछे वाले भी रूम सेम है। जो यहाँ टॉयलेट बाथरूम था वो सब मैंने हटा दिया है। अगर आप किराए पर घर देना चाह रहे हैं तो आप टॉयलेट बाथरूम यहाँ भी बना सकते हैं, सेम टू सेम जो नीचे बना है। नहीं तो आप यहाँ पे एक बड़ा सा लॉन आपका निकल आता है, ये देख सकते हो, बेड डालकर और कुछ भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका एग्जैक्ट डायमेंशन देखने के लिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपको आना होगा यहाँ पर। देखिए एग्जैक्ट डायमेंशन आपको दिख जाता है, कितने बाई कितने का रूम है, और कितने भाई ये छज्जा जो दिया है मैंने दोस्तों, ये अप्रॉक्स 2.5 फिट का छज्जा आगे मैंने बढ़ा दिया है। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड, सॉरी फर्स्ट फ्लोर। अब जो लास्ट फ्लोर है उसको भी आप डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल लास्ट फ्लोर पर कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, सिर्फ छत डाल दिया और सीढ़ी को ढक दिया है। तो ये पूरा प्लान था 20x38 का। ये कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, और एग्जैक्ट डायमेंशन देखने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करें। और यदि आपने अभी तक न्यू टेक नाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपका कोई भी मॉडल है, आप चाहते हैं कि मेरा डिजाइन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये मॉडल चाहिए, मैं आपको डिजाइन करके जरूर दूंगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।